Hi guys, good morning. It's Tuesday morning and I'm just going to work out. आप सबको पता है कि मुझे वर्कआउट बहुत ही पसंद है एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वर्कआउट करो एटलीस्ट फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. सो आज का जो वर्कआउट है, आई एम गोइंग टू शो यू फुल बॉडी वर्कआउट एंड विच यू कैन डू एट होम. जैसे कि यू नो, हाउस वाइफ्स होती हैं या फिर कई बार आपका बाहर जाने का टाइम नहीं लगता, जिम जाने का टाइम नहीं लगता, सो यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेस एट होम. एंड ऑल्सो आई विल शो यू कि मैं क्या खाती हूँ प्री वर्कआउट एंड वॉट आई टेक पोस्ट वर्कआउट. सो without wasting any time, I'm going to have my pre-workout stuff, that is a banana. तो मैं बनाना खाती हूँ वर्कआउट से पहले, like around हाफ एन आवर पहले. तब तक वो यू नो डाइजेस्ट हो जाता है एंड आप वर्कआउट के लिए रेडी हो जाते हैं, बिकॉज इट्स एन इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर. तो इवन नॉट फॉर वर्कआउट, जब भी आप ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ डे आपका मन करता है कि आप थोड़ा लो फील करते हैं, यू कैन हैव वन बनाना जो कि बहुत ही हेल्दी है. इट्स नॉट कि ये फैट होता है, बट इट्स वेरी हेल्दी. सो आई एम गोइंग फॉर माई वर्कआउट नाउ आफ्टर सम टाइम अराउंड इन 10 मिनट्स, और उसके बाद आई शो यू कि वॉट आई टेक आफ्टर माई वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट. सो लेट्स गो एंड स्टार्ट अवर वर्कआउट. सो वर्कआउट जस्ट फिनिश हो गया. सी माई वर्कआउट पार्टनर, माई हस्बैंड, ही इज डूइंग सम एब्स. क्या कर रहे हो? ओके, ही इज डूइंग हिज एब्स. वेल, आई एम गोइंग टू हैव माई पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, दैट इज दिस प्रोटीन बाय ओजीवा. दिस इज फॉर वीमेन स्पेशली. सो यू नो, हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स जो है उनको रिकवरी चाहिए होती है, एंड प्रोटीन इज समथिंग विच कैन रिकवर योर मसल्स. सो जस्ट वेट, आई विल हैव माय प्रोटीन फर्स्ट, देन आई विल जस्ट टॉक टू यू. सो ये मेरा प्रोटीन है ओजीवा का. दिस इज मोका फ्लेवर, माई फेवरेट वन. एंड मैं पानी साथ में लेके आती हूँ. एंड आई विल टेक अराउंड, दिस इज वन स्कूप ऑफ ओजीवा प्रोटीन पाउडर. एंड आई जस्ट शेक इट. ओके गाइस, सो दिस इज माय पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक विच आई टेक डेली. दिस इज प्रोटीन बाय ओजीवा. दिस इज प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर स्पेशली फॉर वुमेन. यू नो, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. सो मेरा जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो इंक्लूड्स अ प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर वर्कआउट.
तो एक स्टडी में मैंने पढ़ा था कि जो इंडियन वुमेन है उनकी जो डाइट है दैट कंज्यूम्स ओनली 13% ऑफ प्रोटीन विच इज़ नॉट गुड. यू नो आपको एक इक्वल अमाउंट में प्रोटीन कार्ब्स और फैट लेने बहुत ही ज़रूरी है. सो आजकल का जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही बिजी हो चुका है. यू डोंट गेट इनफ टाइम फॉर यूर सेल्फ. सो यू नो हम फैमिली में इतना बिजी हो जाते हैं जो ऑफिस का टाइम नहीं, हमें ऑफिस से टाइम नहीं मिलता. तो वट यू कैन डू इज़ यू कैन गो फॉर एनी प्रोटीन. सो आई एम टेकिंग दिस अजीवा प्रोटीन विच इज़ आयुर्वेदिक एंड ये आपकी प्रोटीन की जो कमी होती है उसको पूरा करता है. क्योंकि समटाइम्स वॉट हैपन इज यू नो जो प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं लाइक एग, चिकन, टोफू, आप वो नहीं ले पाते हो टाइम पे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं मिलता. तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो यू कैन गो फॉर हाफ स्कूप विद वाटर और मिल्क. एंड अगर आप वर्कआउट करते हो जस्ट गो फॉर वन स्कूप ऑफ दिस पाउडर एंड टेक आफ्टर योर वर्कआउट. एंड द गुड थिंग इज यू कैन टेक दिस पाउडर इन योर पुडिंग, ओट्स, यू नो एनी रेसिपी आप उसमें ऐड कर सकते हो और जस्ट यू नो एज अ ब्रेकफास्ट ले सकते हो उसको. सो दिस इज़ अ मस्ट मस्ट हैव. सो अगर आप एक हाउस वाइफ हो जहाँ आप ऑफिस जाते हो और आपके पास टाइम नहीं है वर्कआउट के लिए, सो जस्ट ट्राई किए अगर आप बस स्टॉप से अपने ऑफिस तक जा स्टेयर्स लें, वॉक करके जाएं, तो वो बहुत ही आपके लिए यू नो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की स्टार्टिंग हो जाएगी. सो स्टार्ट विद वॉक. जो मैंने करा था स्टार्टिंग में, मैंने जब अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था तो मैं ये नहीं था कि मैं बहुत वर्कआउट कर पाती थी, तो मैंने एक वॉक के साथ ही स्टार्ट करा था. सो आप भी एक वॉक पे जाओ, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है वर्कआउट स्टार्ट करो. घर पे आप कर सकते हो. सो जो अभी वर्कआउट मैंने करा है वो आप इजीली घर पे कर सकते हो अगर आप एक हाउसवाइफ हो. अगर आप घर से बाहर जिम नहीं जाते हो तो आप वो घर पे कर सकते हो. उसके बाद आप ये प्रोटीन ले सकते हो. तो प्रोटीन क्या करता है, वो आपके मसल्स को रिकवर करता है एंड विच विल हेल्प इन यू नो इम्प्रूविंग योर मेटाबॉलिज्म एंड इट विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट. सो हाँ, ये तो नहीं है कि आपका 100% वेट लूज हो जाएगा, बट ऑफकोर्स बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको. जब आप यू नो आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आप ज़्यादा वर्कआउट कर पाओगे, आप में यू नो स्टेमिना बढ़ेगा एंड उससे क्या होगा, आपका वेट लूज होने में बहुत हेल्प होगी. सो गाइज, दिस इज़ अ मस्ट हैव फॉर इंडियन वीमेन. तो आप जब भी कोई डाइट ले तो आप इक्वल अमाउंट में ले प्रोटीन, कार्ब्स और फैट. सो दिस इज़ माई ओपिनियन. सो आई एम इंजॉइंग माई प्रोटीन नाउ. और सबसे अच्छी बात है कि ये जो फ्लेवर मैंने लिया है ये है मोका फ्लेवर, विच इज़ सो गुड, विच इज़ माई फेवरेट. अगर आपने मेरा बर्थडे वीडियोज़ वगैरह देखा होगा तो मैं केक में मोका फ्लेवर खाती हूँ, बट इनमें और फ्लेवर्स भी हैं, आप वो भी ले सकते हो. आई विल ट्राई टू पुट अ लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. आई होप कि आपको मेरा वर्कआउट अच्छा लगा होगा, मेरी प्री वर्कआउट, मेरा पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक अच्छा लगा होगा. सो मेक श्योर यू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू सून. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी. बाय.